तो आज है ट्यूशन का सेकंड डे और सबसे जो मेन डिफिकल्ट बात हो रही है तो वाणी के साथ प्रियंका को ट्यूशन देने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी फेस करने के लिए पड़ रही है। तो अभी वाणी मेरे पास थी, वाणी को मैंने दूध पिलाया दिया वाणी ने अभी, और वाणी को मैंने सुला दिया है। तो जब तक ट्यूशन प्रियंका देगी तब तक मैं यही सोच रहा हूँ कि वाणी सोई रहे तो अच्छा है, नहीं तो आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा जिद्दी होगी है वाणी। तो ये देखिए, ये सुला दिया है मेरी वाणी को। तो वाणी सो रही है और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ट्यूशन की क्लास किस तरह से लग रही है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है ट्यूशन में। हल्का हल्का साउंड तो आ रहा है बच्चों का, एक्चुअली जो ट्यूशन वाला रूम है वो बंद किया हुआ है। चलते हैं आप अंदर। चल रही आप सभी बच्चों की ट्यूशन आ रहा है मजा? 16 कितना आ गया? पढ़ाई भी कर रहे हो कि मस्ती ही है? 5-5, 10-1 पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आप सारे बच्चे करो पढ़ाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो चलिए करते हैं रूम को क्लोज। भाई यहाँ पर चली हुई है इनकी ट्यूशन, सारे के सारे बच्चे बिजी हैं अपनी अपनी स्टडी करने में। तो मैं चलता हूँ पानी के पास क्योंकि वो अचानक एकदम से उठ जाती है। तो जैसे ही वो उठती है तो एकदम से ही चलना स्टार्ट कर देती है। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद पानी भी उठ गई, और पानी एक्चुअली हैबिट है इसको इस टाइम पे बाहर घूमने की। तो हमारा घर के सामने आप लोगों ने देखा रोड है, तो हम इसको घुमाने के लिए ले जाते हैं। इस वाले क्लिप को मैंने ऑलरेडी आज शेयर कर दिया था, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था बानी के ऊपर और थोड़ी ही टाइम पहले अपलोड किया है। अगर जिन लोगों ने इस वाले शॉर्ट वीडियो को नहीं देखा है तो वो इस वाले शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। थोड़ी देर में बानी को भी लेकर गया था ट्यूशन क्लास में, लेकिन बानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रही थी इसलिए मैं इसको वापस ले आया। मेरे माता जी का नाम श्रीमती ज्योति देवी है, मेरे पिताजी का नाम श्री कपिल देव है। मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो आज घर पर बन रही है भरूनी की सब्जी, और भरूनी एक जंगली सब्जी होती है। हमारे गांव में पेड़ हैं लगे हुए भरूनी के, तो वहां पर काफ़ी इजली भी मिल जाती है। बाकी किन किन लोगों ने भरूनी की सब्जी खाई हुई है, कुछ इस तरह की दिखती है भरूनी। तो ये जो आप लोगों को दाने दिखाए ये लगे हुए होते हैं पेड़ के ऊपर, और पत्तों के बीच में से ये निकालने पड़ते हैं, और सबसे पहले फिर इन्हें अच्छी तरह से उबाला जाता है और उसके बाद ही ये सब्जी सूखी सूखी सी बनती है। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एक फाइनल टच किस तरह की बनती है भरूनी की सब्जी। तो ये बन चुकी है भरूनी की सब्जी, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें लास्ट में आपने कच्चा प्याज डालना है और ये फिर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखो आपके दोस्त आ गए हैं सारे सारे बच्चे। एनिमल्स नेम वाणी,
पेपर कितना मैथ रहा गुणा भाग कने प्लस माइनस आने चाहिए थी जरा इन पहाड़े आने चाहिए पहाड़े तीन तरह आने चाहिए वन जा सर का पहाड़े पूछने में फिर का कर बात है बच्चों से तो आज आप लोगों के साथ जो जो वीडियो मैंने शेयर की है अपने इस वाले ब्लॉग में, तो इसको मैं एक एंटरटेनिंग ब्लॉग नहीं कहना चाहता हूँ, एक मेरी और प्रियंका की ये शुरुआत ही है और आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगी इस चीज़ से, क्योंकि आप लोगों ने भी अभी तक जो शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं जो डेली बेसिस पर हमें देखते हैं, तो उन्हें तो पता ही है ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको करने के लिए मैं और प्रियंका शर्माते नहीं हैं। तो हमने छोटे से छोटा काम चाहे कोई भी हो, घर का पोछा करना, अपने पशुओं की देखरेख करना, गोबर उठाना, खेतीबाड़ी में अपने माँ बाप का देखिए साथ देना और हल चलाना, हर एक चीज़ देखिए हम लोग करते हैं। लेकिन एक छोटी सी पहल चलाई हुई है मैंने और प्रियंका ने, और गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं हमारा, अपने बच्चों को भेजते हैं और उन्हें भी हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो हम भी अपना पूरा का पूरा 100% देंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि वो भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके अपने स्कूल में और उनके पेरेंट्स भी खुश हो सके। और एंटरटेन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ऐसा कोई भी मोमेंट मैंने इस वाले वीडियो में डाला नहीं है जिससे किसी लोगों को मतलब किसी को हंसी आए या इस तरह का। बाकी किस तरह से प्रियंका क्लास ले रही है ये भी आप सभी लोगों ने देखा और कितने बच्चे हो गए हैं ट्यूशन में वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। बाकी एक हल्का सा सिर्फ यही है कि बस वाणी मतलब होता ही है, शुरुआत है अभी हमारी और वाणी भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लग जाती है, तो उससे बच्चों की पढ़ाई में मतलब डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए, बच्चों को परेशान नहीं होने चाहिए बच्चे, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो उन्हें हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें यही हमारी पूरी की पूरी उम्मीद है और यही आशाएँ लगाई हुई हैं उनके पेरेंट्स ने, तभी वो हमारे पास भेज रहे हैं। और अभी इस वाले वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं और वाणी टहल रहे हैं अपने घर की छत पर, तो भाई बाणी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये देखिए बाणी जी आपसे हाय हेलो कर दो, बात करो बाणी सभी से, हेलो कर दो, हाय करो, हेलो हेलो, नमस्ते भी कर दो, नमस्ते करो सभी को, नमस्ते करो, कर दो बाणी नमस्ते करो। तो ये है बात कुछ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो और कैसा लगा आप लोगों को ये वाला वीडियो, इसके बारे में ही आप लोग जरूर बताइएगा हमें, और किसी भी तरह की कोई भी सुजेशन हो आप लोगों के पास तो वो भी आप अपनी सुजेशन जरूर रखिएगा। बानू वेस डैडी Where's daddy? करता हूँ इस वाले वीडियो की एंडिंग यहीं पर ही, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, 6 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है और शाम ढल चुकी है आप लोग देख सकते हैं, और अभी मुझे कपड़े भी उठाने हैं साथ के साथ, ये गद्दे उठाने हैं साथ के साथ, रजाई है और गद्दे हैं, बेडशीट, सब कुछ एवरीथिंग उठाने को पड़ा हुआ है मुझे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो आप सभी लोगों से मैं लाइक तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ, बाकी अगर
किसी भी तरह की कोई भी किसी को छोटी से छोटी मोटिवेशन मिली हो हमारे द्वारा, क्योंकि मैंने और प्रियंका ने भी देखिए ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमने नहीं किया, फिर भी हम मतलब लास्ट में अभी इस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो टाइम लगता है हर एक चीज़ को, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी पड़ती है। तो आप सभी लोग भी हिम्मत रखिए, एक ना एक दिन आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगा जिससे आप लोग एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, हालांकि धीरे धीरे से अभी स्टार्ट ही किया है हमने। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मिलते हैं अब आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।